सो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह ही डार्क एटमॉस्फेरिक गेम्स पसंद करते हो तो आपने लिम्बो एंड इनसाइड गेम्स तो खेले ही होंगे पक्का से। और अगर आप इसी तरह के गेम्स खेलना चाहते हो और पसंद भी करते हो तो दैट्स व्हाई मैं आपके लिए आज लाया हूँ 10 ऐसे शानदार साइड स्क्रोलिंग गेम्स जो डिटो लिम्बो और इनसाइड जैसे होंगे, एंड कुछ गेम्स तो इनसे भी सुपीरियर होने वाले हैं। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। सो लिस्ट का फर्स्ट गेम है एस्केप अंडरग्राउंड। नाम ये एक बहुत ही जबरदस्त 2D साइड स्क्रोलिंग गेम होने वाला है जहाँ के आप एक रोबोट के रूप में खेलते हो, एंड गेम में ही आपको एलियन सेंटिनल के द्वारा अर्थ की गहराइयों में फेंक दिया जाता है। एंड अब आपको इस भयानक डार्क एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करना है और यहाँ से एस्केप करने के लिए पाथ में आ रही सभी ट्रैप्स और ऑब्स्टेकल से भी बचना है, और हाँ, नए रास्ते खोजने के लिए डिफरेंट पजल्स भी सॉल्व करना है। एंड इसकी आर्ट स्टाइल भी यहाँ पर लिम्बो जैसी ही है, दैट मीन्स अगर आपको लिम्बो गेम पसंद है तो इस गेम को तो जरूर से ट्राई कर लेना। नाउ लिस्ट का नेक्स्ट गेम निकल कर आता है ओबूसाइड। सो ओबूसाइड यहाँ इनसाइड गेम से इंस्पायर्ड है जहाँ के आप एक अननेम्ड बॉय के रूप में खेलते हो जो कि एक क्रीपी मेंशन में फंस गया है, एंड अब आपको इस मेंशन से बाहर निकलना है और यहाँ के सो कॉल्ड सीक्रेट्स भी पता लगाने हैं। और हाँ, आपको पाथ में डिफरेंट टाइप के क्रीचर से भी बचना है और काफी तरह के ट्रैप्स को डिसेबल करना है बाय पजल सॉल्विंग। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ रियली गुड गेम जो कि बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है। तो अब हमारे अगले गेम का नाम है ह्यू। नाउ ये एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का पजल प्लेटफॉर्मर गेम है जहाँ के आप एक बॉय के रूप में खेलते हो जो कि अपनी माँ की तलाश में निकला है। एंड गेम में यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन ट्विस्ट है जहाँ की आपको एक यूनिक एबिलिटी मिलती है जिससे कि आप डिफरेंट कलर्स की हेल्प से इस गेम का वर्ल्ड चेंज कर सकते हो। ऑसम राइट? नाउ इस गेम को खास बनाती है इसके क्विक टाइम इवेंट्स एंड फास्ट रिफ्लेक्शन जिससे कि आपको डिफरेंट पजल सॉल्व करनी है एंड सभी तरह के ऑब्स्टेकल से भी बचना है। सो ओवरऑल अगर इस गेम की बात करें तो ये काफी मस्त गेम होने वाला है जो कि पीसी के साथ साथ मोबाइल एंड कंसोल पर भी अवेलेबल है। नाउ इसके बाद लिस्ट का नेक्स्ट गेम है डार्क। तो डार्क यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग हॉरर गेम है जहाँ के आप लॉयड नाम के एक लड़के के रूप में खेलते हो जो कि एक ड्रीम वर्ल्ड में फंस गया है, एंड नाउ इट्स योर जॉब टू वेक हिम अप। एंड उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ही खतरनाक रस्तों से गुजरना है, एंड ऐसी ऐसी रिडल्स भी सुलझानी होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लिटरली तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा इसकी पजल सॉल्व करते करते। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये गेम्स उन गेमों में से भी एक है जिसकी एंडिंग आपके मन में काफी सवाल और काफी तरह के इमोशंस पैदा कर देगी, चाहे वो अच्छे हो या बुरे या सैड हो या हैप्पी, लेकिन पैदा तो करेगी पक्का। सो एज माय ओपिनियन यू मस्ट प्ले दिस एट लीस्ट वंस। एंड इसके बाद हमारा अगला गेम अब निकल कर जो आता है वो है सिल्ट। नाउ इस गेम में आप एक स्कूबा डाइवर का रोल प्ले करते हो जो कि समुद्र की गहराइयों में आया है किसी चीज की तलाश में। एंड इसके प्रेमिस को सुनकर भी अगर आपके मन में उथल पुथल नहीं हुई है तो इस गेम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूनिक और खास बात ये है कि आप इसमें दूसरे क्रीचर्स को भी पोजेस करके अपना पार्ट बना सकते हो और इनकी हेल्प से समुद्र यानी कि ओशन के भयानक क्रीचर्स का भी सामना कर सकते हो। सो अगेन अकॉर्डिंग टू मी ओवरऑल ये गेम काफी मस्त होने वाला है जिसका आर्टवर्क भी एकदम यूनिक है जस्ट लाइक इट्स प्रेमिस एंड पावर्स। वो रुको, क्या तुम्हें लगा कि मैं आज का गेमिंग क्वेश्चन भूल जाऊंगा? क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो? सो लिस्ट में और आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम फॉर टुडेज गेमिंग क्वेश्चन, इसमें कि आपको बताना है कि ये डायलॉग किस कैरेक्टर ने बोला है। Did I ever tell you the definition of insanity? एंड हमारे पुराने ट्रेडिशन की ही तरह सबसे फास्ट आंसर देने वाले बंदे बंदी या फिर बंदर को मिलेगा हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन होने का मौका। सो जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां घुमाओ और कमेंट करो यार। और तब तक मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है बर्निंग डेलाइट। नाउ इस गेम की स्टोरी एक फ्यूचर डिस्टिंक्ट साइबरपंक वर्ल्ड में सेट है, और यहाँ हम साइबरपंक 2077 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोड़ो यार, हम बात नहीं कर रहे साइबरपंक 2077 के बारे में। बट हाँ, साइबरपंक वर्ल्ड का मतलब है कि एक डिस्टोपियन फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड विद टॉप लेवल टेक्नोलॉजी एंड नियॉन कलर
कलर्स जैसे कि दिखाए जाते हैं लगभग हर मूवी में, और वैसे तुम समझ ही गए होंगे, तुम्हें रफ आइडिया तो मिल गया होगा। हाँ, तो बस इस गेम में ह्यूमैनिटी काफी डेवलप्ड हो गई है और आपको इस वर्ल्ड के सीक्रेट्स पता करके यहाँ से बाहर निकलना है, दैट्स ऑल। सो ओवरऑल ये गेम काफी शॉर्ट होने वाला है यहाँ पर, जिसे कि आप लगभग एक घंटे में निपटा सकते हो, बट क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है एंड इस पे आप कंट्रोलर भी लगाकर खेल सकते हो, तो यार और क्या चाहिए तुम्हें, सोने का लोटा दे दिया यार, अब इससे भी क्या पटरी पर ही जाओगे अबे साले। बट जोक्स असाइड, आवर नेक्स्ट गेम इज ब्रोकन वैली। सो ब्रोकन वैली एक बहुत ही डार्क थीम का हॉरर गेम होने वाला है, जहाँ की आपको एक मिस्टीरियस यंग बॉय के रूप में खेलना है जो की एक रशियन टाउन में फंस गया है एंड वहाँ से अपनी माँ को तो ढूंढना ही है, लेकिन साथ ही साथ रास्ते में आ रहे खतरनाक क्रीचर से भी बचना है। एंड लाइक एनी गुड हॉरर गेम, इस गेम में आपको किसी भी तरह के वेपन्स एंड एबिलिटीज नहीं मिलेगी, दैट मींस आपको यहाँ स्टेल्थली पूरा गेम पार करना होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गेम का भी डेमो ही अवेलेबल है, सो यू हैव टू वेट अंटिल द फाइनल रिलीज। तो अब इसके बाद हमारी लिस्ट में नेक्स्ट गेम जो निकल कर आता है वो है स्टेला। नाउ स्टेला यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पजल प्लेटफॉर्मर गेम है, जहाँ के आप एक यंग वुमन के रूप में खेलते हो और आपको यहाँ एंशियंट टाइम की मिस्ट्रीज पता लगानी है। एंड नाउ अगर इस गेम के गेम प्ले की बात करें तो आपको यहाँ खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना होगा, जहाँ कदम कदम पर आपका सामना डेथ यानी कि लिटरली मौत से होगा, क्योंकि यहाँ डेंजरस डीमंस एंड खूंखार जानवरों के अलावा हजारों ट्रैप्स भी पड़े हुए हैं रास्तों के बीच में। तो ओवरऑल इस गेम का प्रेमिस एंड इस गेम का गेम प्ले काफी ही जबरदस्त है, जो कि डिट्टो इनसाइड की कॉपी भी है, लेकिन इन गुड वे। तो अब हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर पे जो गेम निकल कर आता है वो है फ्लिकर ऑफ होप। सो अगर आपने कैंडलमैन जैसा गेम खेला होगा तो ये गेम भी उसी पे बेस्ड होने वाला है, जहाँ की आप एक कैंडल के रूप में खेलते हो जो कि एक तरह के चर्च में फंस गई है, और हाँ ये चर्च भी मिस्टीरियस क्रीचर्स से भरी पड़ी है एंड अब आपको बिना डिटेक्ट हुए पूरे चर्च में रोशनी फैलानी है और इन भयानक राक्षसों से भी बचना है। सो ओवरऑल ये गेम यहाँ काफी मस्त होने वाला है, जो कि स्टीम पे बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है। एंड फाइनली हमारी इस जबरदस्त लिस्ट की नंबर वन पोजीशन पर जो गेम निकल कर आता है, या फिर मैं कहूँ कि निकल कर आते हैं, उनका नाम है लिटिल नाइटमेयर्स 1 एंड 2। सो ये दोनों गेम्स ही आपको यहाँ पर हॉरर और डार्क थ्रिलर जॉनर एक्सपीरियंस कराएंगे, जहाँ के आप 6 नाम के एक कैरेक्टर के रूप में खेलते हो जो कि एक बड़े से जहाज में फंस गया है। पता नहीं क्यों फंस गया, बस फंस गया। अगर तुम गेम में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे तो कैसे चलेगा। खैर, आपको इस गेम में डार्क कॉरिडोर से होते हुए इंसानों के फ्लैश खाने वाले मॉन्स्टर से बचते हुए इस भयानक जगह से एस्केप मारना है और यहाँ के हिडन सीक्रेट्स भी पता लगाने हैं, लाइक एनी अदर हॉरर गेम। मैंने ट्राई किया है, मुझे तो अच्छे लगे ये गेम्स काफी ज्यादा, तो बिल्कुल से बिल्कुल ट्राई करना, मेरा तो बिल्कुल थम्स अप है इस गेम को लेकर। तो चलो यार, यहाँ पर हमारी लिस्ट खत्म होती है एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड आई नो कि हमने यहाँ पर लिस्ट में काफी सारे गेम्स मिस कर दिए हैं, तो अगर आपने इस वीडियो पर 1000 से ज्यादा लाइक्स कर दिए बाय एनी चांस, या फिर मिस्टेक से भी कर दिया तो चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसका पार्ट 2 भी जरूर से बनाएंगे। एंड दैट इज वाई जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक्स का कोटा पूरा कर दो, और मैं भी चलता हूँ क्योंकि मुझे भी मेरे क्रीपी कॉलेज से एस्केप मारना है। बाय। ओ राजू अबे कहाँ मर गया। अरे यार, लगता है ये भी कोई हिडन मिस्ट्री सॉल्व करने गया है। अरे रुक, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी मेरी लाइफ में कुछ एडवेंचर चाहिए।